नमस्ते अभिवादन, आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में क्लोजिंग हुई 19,384.30 पे। क्लोजिंग कितने पॉइंट नीचे है, 440 के टर्म्स में 40 उधर और 15 इधर, लगभग हो गए 55 पॉइंट्स। बाजार लगभग 55 पॉइंट नीचे आज क्लोज की है। क्या ये क्लोजिंग बुरी हो गई? आपको जो अंत की सेलिंग देखने को मिली उसको देख करके लग रहा होगा कि ये क्लोजिंग बुरी हो गई, लेकिन टेक्निकल चार्ट्स पे हम कुछ खास कमज़ोर नहीं हुए। वो जो सेलिंग आई वो उन्हीं FIIs की थी जो पिछले ट्रेडिंग सेशन में बाइंग किए थे। लगभग ये बात मैंने पिछली वीडियो में बोली थी, बाकी इसको आप एज अ तुक्का ही समझा कीजिए, क्योंकि कौन कब ट्रांजैक्शन करेगा ये हम कभी भी डिकोड नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ हमको हमेशा तैयारी के साथ अपने दिमाग में बिठा करके रखनी चाहिए कि भाई साहब, क्या मैं हर एक ऑड्स के लिए रेडी हूँ? बाज़ार में भयंकर सेलिंग आ गई, क्या मैं रेडी हूँ? और ये जो सेलिंग आई अचानक से पिछले आखिरी आधे घंटे में, वो बड़ी अजीब सी थी। इसीलिए आपको बोलता हूँ 3 बजे के बाद अवॉइड क्या करूँ मार्केट में ट्रेड करना, इसीलिए बोलता हूँ। एक्सपीरियंस आप भी ले रहे होगे इन सब चीज़ों का। बाकी मैंने ऑड्स की बात की ना, देखो डेल्टा कॉर्प स्टॉक है गेमिंग से रिलेटेड। सरकार ने क्या किया, न्यूज़ आपको पढ़ाता हूँ पहले। ये है, आज तक इतिहास में इतने भयंकर तरीके से स्टॉक कभी नहीं गिरा था। 28% GST कैसीनोज पे लग गई सरकार की तरफ से, इसी कारण ये स्टॉक अपनी 1500 करोड़ की वैल्यू गंवा दिया। 1500 करोड़ इन द सेंस मार्केट कैप के बारे में बात हो रही है। मैं थोड़ा सा ये शेयर आपको दिखाऊंगा, अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखोगे क्लोज टू 25% की भयंकर गिरावट है। यानी कि हम ये कह सकते हैं इस स्टॉक का मार्केट कैप कितना रहा होगा, 6000 करोड़। 1500 गया, कितना बचा, 4500 करोड़। एक दिन में 1500 करोड़ साफ हो गए। सोचो आप जिस स्टॉक में पोजीशन बना करके रखे हो, अगर उसके साथ ऐसा हो गया तो ऐसे में हमको कौन सी तैयारी करके रखनी चाहिए, कौन सी तैयारी होनी चाहिए? या तो आप हेजिंग करो अगर वो FNO का स्टॉक है। अगर FNO का स्टॉक नहीं है तो मल्टीपल स्टॉक्स में आपकी पोजीशन होनी चाहिए। और मैं जो आपको पोजीशन रिकमेंड करता हूँ, अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, कम से कम 3 से 5 स्टॉक्स में आपकी पोजीशन होनी चाहिए। कितना भी छोटा अकाउंट है, आप बहुत छोटे अमाउंट से ट्रेड करते हो, फिर भी 3 अलग अलग स्टॉक्स में अपनी पोजीशन बरकरार रखिए, क्योंकि सुबह ओपनिंग कितने परसेंट नीचे होगी कोई भी नहीं जानता। और आपके खिलाफ जब चीज़ें जाती हैं तो आप होप ट्रेड करते हो, क्वांटिटी ऐड करते हो, इंतज़ार करते हो, और मोस्ट ऑफ़ द केसेस में ये सारी चीज़ें जहरीली होती हैं। TCS रिजल्ट आया इनका, उम्मीदें ही लोगों ने इतनी कम लगाई थी कि कहने को कह सकते हैं कि बीट्स द एस्टिमेट। लेकिन अगर मैं अपनी आंखों से देखूं तो मुझे रिजल्ट बस ऐसे ही लगा है, ठीक है। और उम्मीद भी इनसे क्या ही करोगे यार, इतनी बड़ी कंपनी है, इतने एम्प्लॉयज़ हैं, एक जायंट कंपनी से हम ये उम्मीद नहीं लगा सकते कि वो हर क्वार्टर में हमको तगड़ी ग्रोथ ला करके दिखाएगी। बाकी जो IT इंडस्ट्रीज़ में, IT सेक्टर में चल रहा है, उन सभी चीज़ों को देखते हुए मैं इस रिजल्ट को ठीक ठाक बोल सकता हूँ। लेकिन आपको यही कहूँगा कि इससे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आपकी अपनी चॉइस हो सकती है, अगर आप होल्ड करते हो ये स्टॉक तो होल्ड करते रहिए, क्योंकि ये स्टॉक अपने आप को गोल्ड प्रूव कर चुका है फास्ट में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इंट्राडे स्टॉक्स रहेंगे GNFC पहला इंट्राडे स्टॉक रहेगा, बेहतरीन लेवल पे खड़ा है। मार्केट इनकेस पॉजिटिव होती है तो ये स्टॉक बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऊपर जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। दूसरा स्टॉक रहेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, 325 रुपये पे खड़ा है। इनकेस मार्केट गिरती है बढ़िया गिरावट दिखा सकता है, 325.60 के ऊपर आप यहाँ पर बढ़िया पॉजिटिव पोजीशन भी बना सकते हो। ट्रेड तरीके से ही करना है, तरीका वीडियो में मैंने सिखाया है, ज़रूर देख लीजिएगा। अदरवाइज यही कहोगे कि हम क्या करें सर, नुकसान हो गया। नुकसान तो होगा, मेरा भी होता है, आपका भी होता है, हम सबका होता है, लेकिन वो नुकसान क्यों हुआ इस पे ध्यान देना हमेशा। मार्केट आपको दुश्मन नहीं मानती है कि आप ही का नुकसान कराएगी, वो सबका कराती है। वो क्यों हुआ है वो अगर आपने डिकोड कर लिया, अगर आपने वहाँ पर जस्टिफिकेशन दे दिया इस कारण मेरा लॉस हुआ, तो अगली बार उसके चांसेस कम हो जाएंगे, और यही लर्निंग की कमाल की खूबी होती है, ठीक है। तो तीनों स्टॉक्स हो गए, एक्सिस बैंक, महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस और GNFC। अब बात कर लेते हैं लेवल्स की, ठीक है। और लेवल्स की बात करें उससे पहले थोड़ा सा FIIs का डेटा डिस्कस करेंगे। देखिए पिछले ट्रेडिंग सेशन में FIIs की दमदार खरीदारी आई थी, अभी बिकवाली आई है, तो वो कुछ स्टॉक्स में पोजीशन बनाते हैं, कहीं पर बेचते हैं, हो सकता है कुछ लोग डेल्टा कॉर्प में ही बेच करके भाग गए होंगे। हम कोई चीज़ ऐसे डायरेक्टली डिकोड नहीं कर सकते। FNO का डेटा देखोगे वो थोड़ा सा अलग सजेशन दे रहा है, टेक्निकल चार्ट्स पे हम मजबूत हैं, FNO के डेटा से भी हम बुरे नहीं हो गए हैं। बाजार जैसे ओवरबॉट जोन में होती है तो ऐसी चीज़ें होती हैं, अचानक से सेलिंग आ जाए, अचानक से सेलिंग आ जाए। ओवरसोल्ड जोन में होती है तो अचानक से बाइंग आ जाती है, और इन सब चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। दैट इज़ इट, अभी आपके लिए लेवल्स मैं लिख दे रहा हूँ और फिर आपसे विदा लेता हूँ, ठीक। ध्यान दीजिएगा लेवल्स में जब लिखता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि पूरा लेवल लिखिए। देखो अगर आप साथ में हो और ये कहानी नहीं समझ पा रहे हो कि 31 पॉइंट पे स्टॉप लॉस आपको लगाना है या एज अ सपोर्ट इसको ट्रीट करना है, तो क्या करोगे? देखो क्लोजिंग कहाँ हुई है उससे माइनस 31 पॉइंट आप कर लिया करो, इतनी गणित लगा लिया करो, इतनी भी गणित नहीं लगानी, ट्रेड क्यों कर रहे हो भाई साहब? अगर आपको नहीं पता 74 पॉइंट नीचे सपोर्ट अवेलेबल है
तो मैं कह सकता हूँ कि चलो आप वहाँ पर गलती कर लो। अगर मैंने आपको बताया है, हम लोगों ने, आपने, किसी टेक्निकल इंडिकेटर ने आपको बताया है भैया यहाँ पर सपोर्ट अवेलेबल है, आप देखो क्या मार्केट वहाँ पर रिस्पॉन्स ले रही है उस सपोर्ट का। अगर ले रही है तो आप ट्रेड जमा सकते हो वहाँ पर, ठीक है। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, बहाने मारते रहो, बहाने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको, ये माइनस का पॉइंट होता है, यानी कि नीचे, ये नीचे का, ये हो गया सपोर्ट लेवल और ये हो गया रेजिस्टेंस लेवल, ये जस्ट प्लस 7 है, ठीक है। इस पे आपको ध्यान रखना है, ठीक। बैंक निफ्टी के लिए 109 हो जाएगा, ठीक। ये माइनस का लेवल है, यानी कि सपोर्ट लेवल है, रेजिस्टेंस हमेशा प्लस में होता है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि ऊपर होता है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप लोग कुछ गड़बड़ी भी कर जाते हो, ठीक। तो ये हो गए रेजिस्टेंस लेवल्स, बैंक निफ्टी से उम्मीदें ज़्यादा हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि बाजार जिधर भी चले एक ट्रेंडिंग मार्केट दे और ट्रेंडिंग तरीके से हमको ट्रेड दिलाए और मज़ा आए ट्रेड करने में। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लेना। कल मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो डाली है, तो कल वाली वीडियो मस्ट वॉच है। इस वीडियो को देखने के बाद या जब भी समय मिले उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अभी आपसे विदा लेने का समय है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जल्दी मिलेंगे। नमस्कार।